ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ होगा ना आपके पास? ये अलग है एक्चुअली में, कुछ अलग है, समथिंग डिफरेंट नॉर्मल। हाँ ये जो कुछ डिजाइन कराया ना, मतलब वो बड़ा ये। हाँ भैया, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही है नीतीश भाई, कि ये जो खुद से मैंने डिज़ाइन करवाई है ना, ये मेरे लिए बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है। लेकिन क्या करें, बहुत ही आसानी से आपने इसको चुरा भी तो लिया है। क्या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, न्यू ब्लॉग और यू कैन से दैट न्यू एक्सपोज ब्लॉग। वैसे पता है ये एक्सपोज एक्सपोज करना ना मुझे बिल्कुल पसंद था नहीं जब मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आया था। मेरा फर्स्ट प्रोफेशन तो ये है नहीं, एज यू नो मैं डॉक्टर हूँ, मेरी खुद की जिम है और मेरे पास ब्लॉगिंग के लिए इतना टाइम है नहीं। बट ब्लॉगिंग मेरा पैशन है, राइडिंग मेरा पैशन है, जिसको मैंने कंटिन्यू किया है। पहले सोचता था ना कि यूट्यूबर क्यों एक्सपोज करते यार एक दूसरे को, क्यों फालतू मैंने एक दूसरे की बातें इधर का उधर लगाते। लेकिन है ना, न चाहते हुए हमको एक्सपोज करना पड़ता है, काम ही ऐसे करते हैं ये बड़े बड़े यूट्यूबर। मैंने भी डिसाइड कर दिया मैं भी एक्सपोज करूंगा, मैं भी ना वही करूंगा जो ये लोग करते हैं। ये लोग व्यू के पीछे भागते तो हम भी व्यू के पीछे भागेंगे। और आप तो ये समझ लो कि भाई ये मैं कर क्यों रहा हूँ, ये रहा मेरा CBR का कस्टमाइज रैप डिज़ाइन। इसको है ना पूरी तरह से मैंने कस्टमाइज करवाया है, मतलब कहाँ लोगो लगाना है, कहाँ लोगो लगेगा, लोगो तो ऑब्वियसली वहीं लगेगा जाता, बट मेरा जो लोगो है ब्लॉग चैनल का वो कहाँ लगेगा, ग्राफिक्स की डिज़ाइन कैसे रहेगी, इच एंड एवरीथिंग मैंने कस्टमाइज करवाया है। कस्टमाइज मतलब क्या होता है यार, खुद हम हमारी बातें जो शेयर करते हैं डिज़ाइनर से, वो फिर हम हमारी जो डिज़ाइन है उसको समझता है, उसके बाद वो डिज़ाइन बनाता है और वो स्पेशली हमारे लिए बनती है। तो ये डिज़ाइन मेरे लिए बनी थी और ये बात पता है मैंने नीतीश भैया को पहले बोली थी कि ये मेरे लिए डिज़ाइन बनी है, आप इस बात की अहमियत को समझो। जब मैं नीतीश भैया के पास फर्स्ट टाइम गया तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि मेरे पास भी ऑलरेडी रैप है, उनके पास कौन से रैप होते हैं UK को तो आप जानते हो उनके पास कौन से रैप होते हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे ये रैप नहीं करवाना है, मेरे पास डिज़ाइन रेडी है और मैंने आपको व्हाट्सअप किया भी था लखनऊ पहुंचने से पहले, उनके चैट्स की डिटेल भी मेरे पास है जो कि मैं स्क्रीन पे आपसे शेयर कर दूंगा। सो शायद बंदा भूल गया, फिर मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि ये मेरा डिज़ाइन है और इसको आपको कंटिन्यू करना है, मतलब रैप लगवाना है। कुछ प्रूफ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे फर्स्ट टाइम 24 January 2023 को मैंने आकाश से बात करी थी, जिसने मेरी डिज़ाइन फाइनल करी, जो कि बंदा केरल से है। मेरे हाथ में मैंने मोबाइल इसलिए ले रखा है ताकि आपको प्रॉपरली मैं बता सकूँ। 27 January 2023 को फर्स्ट टाइम मैंने आकाश से शेयर किया था कि मेरे डिज़ाइनिंग कैसे रहेगी। बाजू में ये स्क्रीनशॉट्स है, इसको आप देख लो, आप समझ लो कि मेरी क्या क्या उससे बातें हुई थी। मैंने क्लियरली बताया था कि ये सारी चीज़ें कस्टमाइज होनी चाहिए, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम, मेरा इंस्टा आईडी कहाँ होना चाहिए, सब कुछ हमारे बीच फाइनलाइज हो चुका था। उसके बाद तो डिज़ाइनिंग तो मुझे आकाश ने 1 से 1.5 महीने में हैंड ओवर कर दी थी, लेकिन इसके बाद सवाल ये था कि रैप मैं करूँगा कहाँ पर, क्योंकि रैप का प्रिंट निकालना, क्वालिटी वाला प्रिंट निकालना और प्रॉपरली रैप लगाना, ये आना चाहिए। अब अगर आप सुपर बाइक के लवर है तो सबसे पहले आपके दिमाग में तो एक ही नाम आएगा, रेस डायनामिक लखनऊ, और साथ ही साथ आयुष वर्मा का नाम आएगा। आप सोचोगे आयुष वर्मा को मैं बीच में क्यों खींच रहा हूँ, बताता हूँ, ये भी बताता हूँ, आयुष वर्मा की वैसे इसमें कोई गलती है नहीं, कतई गलती नहीं है, बंदा बहुत ही नेक है, बट फिर भी उसमें उसका नाम बीच में थोड़ा बहुत आना ही आना है। तो सबसे पहले मैंने कॉन्टैक्ट किया नीतीश भैया से, पहले हमारी व्हाट्सएप पे बातें हुई, उसके बाद फिर मैंने कॉल पे बातें करी और व्हाट्सएप पे उनका एक वॉइस नोट भी मुझे आया जो कि मैं आपको सुनवा देता हूँ। हाँ जी, हो जाएगी सेम एज इट इज ऐसी हो जाएगी, बस इसके लिए आपको हमें 6-7 घंटे का टाइम देना होगा और हो जाएगी। इसमें एस्टीमेट जो आपका आएगा कम से कम सामने जो बाइक जब सामने होती है तो उसी के ऊपर करा जाता है ना, तो जब आप आओगे थोड़ा सा टाइम लेके आना वो हो जाएगा सामने ही। मत आइएगा, क्लोज रहता है और थोड़ा सा कोशिश करिएगा जल्दी आइएगा, असल में रोजे वगैरह चल रहे ना लड़कों के, थोड़ा सा 5:30 बजे फिर क्लोज कर लेते हैं वर्क ना। फाइनली सब कुछ ओके रहा, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना है लखनऊ। अब सिर्फ रैप के लिए लखनऊ नहीं जाना था, एक्चुअली मुझे जाना था अयोध्या और फर्स्ट अपना मोटो व्लॉग की जर्नी करनी थी। तो
अप्रैल महीने के आसपास मेरी ये जर्नी बिगिन हुई और आते समय मैंने डिसाइड किया कि मैं लखनऊ रुकूंगा और लखनऊ में रैप का काम करूंगा, वहां से सीधा घर आ जाऊंगा। जैसे मैं लखनऊ पहुंचा, नीतीश भैया से मेरी मुलाकात हुई, नीतीश भैया को मैंने बताया कि ये मेरी डिज़ाइन है, तो नीतीश भैया ने तो पहले मुझे सजेस्ट किया कि यार ये हमारे रैप है ये लगवा लो। मैंने कहा भैया ये रैप मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ रैप है, इस बात को आप समझिए, इस अहमियत को आप समझिए, ये मुझे लगाना है। तब उनको समझ में आया कि बंदे ने कुछ कस्टमाइज़ करवाया है। उनको ये भी नहीं पता था कि इसका प्रिंट कहाँ से करवाना है। मैंने फिर उनको सजेस्ट किया कि भैया आप वहाँ मुझे ले चलिए इस फलाना शॉप पे। अप्रॉक्स 8 घंटे लगे सिर्फ रैप आने के लिए। ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ होगा ना आपके पास? एग्जैक्टली देख लो भैया, इतने बड़े शोरूम में ये जो चीज़ हो रही है ये भी फर्स्ट टाइम हो रही है। अब सच बात कहूँ, मेरी उम्मीदें ना कुछ नीतीश भैया से ज़्यादा थी। मुझे लगा कि बंदा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा, बट वो ऐसा कतई ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। किसी किसी की ना किस्मत होती है, किस्मत नीतीश भैया की ये रही है कि आयुष वर्मा उनके साथ लिंक हो गया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। बंदे को नॉलेज कुछ नहीं है, जीरो जीरो नॉलेज है। रैप उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंट कहाँ से करवाना है। मैंने बताया कि भैया यहाँ यहाँ से मुझे ले चलो, वहाँ प्रिंट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। फिर हमने प्रिंट करवाया, इसके चक्कर में मेरे डेढ़ दिन गया, डजंट मैटर यार, क्योंकि काम हो रहा था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जब रैप हो गया, होने के बाद भी नीतीश भैया के ये शब्द है, ये जो स्पेशल आपने जो डिज़ाइन करवाई है ना, एक बार फिर से दोबारा आप सुन लो। ये अलग है एक्चुअली में, कुछ अलग है, समथिंग डिफरेंट नॉर्मल। हाँ, ये जो डिज़ाइन कराया ना, मतलब वो बड़ा, ये सीट कवरिंग के बाद तो मतलब एकदम लुक चेंज हो गया, लगी नहीं ना वो बाइक। सही है, ये जो भी डिज़ाइनिंग हुई है, मैं मानता हूँ ये कस्टमाइज डिज़ाइन है, इस हिसाब से मैंने गाइड किया, उस हिसाब से ये डिज़ाइन बनी, उसकी मेहनत है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेहनत है वाजिब की, सामने वाले बंदे को समझाना कैसा करना है क्या नहीं, फिर वो प्रिंट निकाल के एक एक पार्ट निकाल के उसको प्रॉपरली लगाना। तो ये जो स्पेशल डिज़ाइनिंग मैंने करवाई है ना, ये आपके लिए तो बहुत खास होगी। ये नीतीश भैया के शब्द है, किस दिन के शब्द है, जिस दिन मैंने रैप करवाई थी। और इसके बाद क्या हुआ भैया, हम तो निकल गए खुशी के मारे वहाँ से, फटाफट घर आ गए। घर आने के बाद होता क्या पता है, अप्रॉक्स 8 से 9 दिन के बाद मुझे किसी सब्सक्राइबर का इंस्टा पे मैसेज आता है कि भैया आपकी डिज़ाइन लखनऊ रेस डायनेमिक में किसी और CBR पे लग गई है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, ये तो पॉसिबल नहीं है। पहले मैं शॉक हुआ कि आयुष वर्मा ने मेरी CBR राइड कैसे कर ली, मतलब रैप वाली CBR राइड कैसे कर ली। CBR तो मेरी राइड करी थी उसने, लेकिन विदाउट रैप वाली CBR आयुष वर्मा ने तो मतलब राइड तो करी नहीं। जब मैंने वो वीडियो खोली तो मैं हक्का बक्का रह गया, भाई साहब एज इट इज़ रैप उठा के पूरा चिपका मारा, सिर्फ और सिर्फ ये लोगों हटवा दिया, बाकी एज इट इज़ डिज़ाइन कॉपी करके चिपका दिया। मैंने सबसे पहले नीतीश भैया से बात करी, मैसेज किया कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, तो भाई बोलता है कि मेरे पास जो वर्कर है उसको पता नहीं था कि ये आपका कस्टमाइज डिज़ाइन है। मैंने कहा भाई मैंने आपको बोला था, आपने खुद भी बोला था कि ये कस्टमाइज डिज़ाइन है, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया। और जिस बंदे से मैंने डिज़ाइन करवाया वो बंदा मेरे पे चिल्ला रहा है कि आपने मेरी डिज़ाइन किसी और को क्यों बेची। ऑब्वियस थिंग है ना कि किसी और से मैं डिज़ाइन करवा रहा हूँ तो उसके लिए भी वो चीज़ उतनी अहमियत रखती है, मेरे लिए भी वो चीज़ उतनी अहमियत रखती है, तो इतने आसानी से आप डिज़ाइन कैसे चुरा सकते हो यार। और जब मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप इस रैप को हटवाइए, कुछ भी करके रैप को हटवाइए, अब बंदे को समझ में आ गया कि रैप तो हटवाना पड़ेगा, तो बंदा बीच में ले रहा है आयुष वर्मा को, बोलता है यार आयुष वर्मा ने वीडियो डाली इसलिए आपको पता चला, अदरवाइज़ आपको तो पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं होता यार, आयुष वर्मा ने वीडियो नहीं डाली तब भी मुझे चलो पता नहीं चलता, लेकिन मान लो कि उस बाइक के साथ अगर कुछ 19-20 हो जाता तो सामने वाला कुछ कंप्लेन करता तो डिज़ाइन तो ये जाती ना। और आपको पता है जब हम रैप लगाते हैं ना, सबसे पहले RTO में इसकी नोटिस देनी पड़ती है कि हाँ मैं डिज़ाइन चेंज करवा रहा हूँ, सामने वाले ने ये करी क्या, नहीं करी, तो इस बात को भी सामने वाले को समझना बहुत ज़रूरी है। और सीधा आपने मेरी डिज़ाइन उठा के दे दी, जब मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया उनको कि नहीं सर आपको रैप हटवाना ही पड़ेगा, तो वो बोलते कि मैं आयुष वर्मा को बोलता हूँ कि वो अपनी वीडियो हटा दे। मैंने कहा आयुष को क्यों बोल रहे हो, बंदे ने उसका काम किया, बंदे को चाहिए व्यू, उसने उसका काम किया, बंदे को चाहिए कंटेंट, उसने उसका काम किया, उसको उसके लिए एक CBR खड़ी थी, उसने शूट कर लिया, दैट्स इट। आयुष से मेरी कोई शिकायत नहीं है, उसकी जगह मैं भी होता ना तो मैं भी यही करता, आयुष ने मेरी डिज़ाइन नहीं चुराई। सिंपल एग्जांपल है यार, कहीं अगर कुछ हादसा होता है ना, कहीं मान लो कोई टेररिस्ट आते हमला करते, तो जो पत्रकार होते रिपोर्टर होते वो रिपोर्ट करके चले जाते। अब पुलिस वाले रिपोर्टर को पकड़ेंगे या टेररिस्ट को पकड़ेंगे, सीधी सी बात है, मेरे लिए टेररिस्ट कौन है आप भी जानते हो, तो मैं कंप्लेंट किसको करूंगा,
मैं तो नीतीश को ही करूँगा ना। अब जब मैंने नीतीश को और ज़्यादा फोर्सफुली कंप्लेंट करी तो बोलते कि ठीक है अभी वो बंदा कहीं और गया है, जब वो आएगा तब हम उसको बाइक मंगवाएंगे, उसके बाद हम रैप हटवाएंगे। 7 डेज़ का हमें टाइम था। मैंने कहा चलो ले लो 7 डेज़ का टाइम, 7 दिन का टाइम देने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। मैंने उनके भाई दीपक भैया से भी बात करी, उनके भी स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अप्रॉक्स 15 दिन के बाद वापस से मैंने दीपक भैया से कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा भैया आप कुछ कर नहीं रहे हो। दीपक भैया का मुझे वॉइस नोट आता है ये वाला, भाई जिसका रैप करा था उस बंदे का तो एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी तो खड़ी हुई है, मतलब उस गाड़ी से नहीं हुआ है बुलेट से एक्सीडेंट हो गया, तो उसके तो पैर टूट गए ना, तो अभी जब सही थोड़ा सही हो जाएगा गाड़ी लेके आएगा मैं हटवा दूंगा। तो इस सिचुएशन में मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा कि भाई आप आइए रैप हटवाइए ना, ये थोड़ा सा दिक्कत है भाई। बाकी ZX TNR मेरे पास आ गई, वो कह रहा जो है नेक्स्ट वीक तक वो आएगा भाई, गाड़ी वाड़ी देखेगा तब उसको फाइनल कर देगा, इसको रैप हटा के हम ब्लैक कर देंगे पूरी। भाई रैप क्या हटवाएंगे, असल में गाड़ी जो जिसने रैप वैप कराया था तो गाड़ी से पता नहीं गिर गया क्या हो गया, तो गाड़ी जो है अभी खड़ी है, उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया है, तो अभी जब मान के लो सही वही होगा तब उससे गाड़ी के लिए बोलेंगे ना। अभी वैसे ही भाई वो टांग तोड़े बैठा हुआ है ना, गिर गया था बाइक वैक से, दूसरी बाइक से गिरा था अलग, इससे नहीं गिरा था, लेकिन बात हुई तो कहता भैया अभी फ्रैक्चर है पैर में, जब आएगा तो हटवा देंगे। अब मैंने कहा ठीक है यार, बंदे ने टांगे तुड़वा ली, लेकिन आप बंदे को बाइक बुला तो सकते हो, वही बंदा बाइक चलाएगा, ज़रूरी नहीं है ना किसी और के हाथ से आप बाइक मंगवा लो, इतना तो कर सकते हो नहीं, लेकिन हमको ये करना है नहीं। तो चलो ठीक है, हम भी एक्सपोज कर देंगे और हम भी इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। यस, लीगल एक्शन लिया जाएगा इसके अगेंस्ट। मैंने बात कर रखी है, बस मुझे पुलिस में जाना है और एक FIR फाड़नी है, इसके बाद सीधा रेस डायनामिक लखनऊ में यहाँ से कॉल जाएगा और उनके अगेंस्ट केस फाइल की जाएगी। मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं यार, सीधी सीधी बात है, इतनी मेहनत से हम लोग करते हैं। एक बात आप समझ लो यार, सुपर बाइक लेना है ना हर किसी का एक ड्रीम होता है, इसके बाद मेरा एक सपना था कि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपरली एक कस्टमाइज डिज़ाइन करूँ, वो भी मैंने कर लिया, और इतने आसानी से आपने चुरा लिया, इतने आसानी से, और आपको यूँ लगता है कि हाँ भाई हम तो बहुत बड़े बन गए, हमें कोई टेंशन नहीं, जब भी मैं कॉल करता हूँ हाँ हो जाएगा कर लेंगे अभी समय दे दो, इतने आसानी से जवाब। और दूसरी बात, मैं उस मेरी किस्मत थी कि जब मैं रेस डायनेमिक गया तब UK 07 की S2 भी वहीं पड़ी हुई थी, मैंने एक छोटा सा रील बना लिया और बाकायदा परमिशन लेके, ऐसा नहीं कि परमिशन लिया नहीं है, मैंने दीपक भैया से सबसे पहले परमिशन ली कि क्या मैं वीडियो बना सकता हूँ, उन्होंने कहा हाँ बना लो। जैसे मैंने वो वीडियो पोस्ट करी, जैसे नीतीश भैया को पता चलता है कि मैंने वीडियो पोस्ट करी, मुझे फ़ोन करके बोलते कि प्लीज़ आप वो वीडियो हटवा दो। क्यों? तो UK 07 को वो वीडियो पसंद नहीं है भाई, UK 07 के पास इतना टाइम है क्या मेरे वीडियो देखने के लिए, इतना टाइम है क्या बताओ? जिस बंदे को वो S2 बेच रहे थे, उनकी इच्छा थी कि वो सामने वाला बंदा सबको शो करे कि ये S2 मैंने फर्स्ट टाइम खरीदी है, काहे के लिए झूठ बोलना यार, काहे के लिए? और आपकी झूठ के लिए मैं मेरी वीडियो क्यों हटाओ? आप मेरा रैप चुरा सकते हो और मैं मेरी वीडियो हटवाओ? वाह भाई, ये गाय का लॉजिक हुआ। इवन पता है मेरे पास वो फुटेज भी है जब मैंने आयुष के साथ व्लॉग शूट किया, बाकायदा मैंने आयुष से परमिशन ली क्या मैं आपके साथ व्लॉग शूट कर सकता हूँ, इसकी फुटेज भी है, ये भी आप देखना चाहते हो तो देख लो। परमिशन लेना जरूरी होती है, तो ये होता है ना एक प्रॉपर वे में किसी से रिलेशन बनाना, यूँ नहीं होता है कि फटाक से कहीं भी चले गए कहीं भी कुछ भी कर दिया। भले ही क्रिएटर नया हो क्रिएटर छोटा हो, एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट तो करो, एटलीस्ट उसकी जो मेहनत हो उसकी तो रिस्पेक्ट करो यार। बहुत बहुत मतलब क्या बताओ, अभी इतना दुख हुआ ना ये देखने के बाद, इतना दुख हुआ कि पूछो मत, मतलब सारी मेरी जो मेहनत थी कि फर्स्ट टाइम रहेगा कस्टमाइज रैप, फर्स्ट टाइम रहेगा समथिंग यूनिक, वो सारा इन्हें एक सेकंड में इस बंदे ने मिट्टी में मिटा दिया। और नहीं वे कोई नहीं, इसके ऊपर तो कंप्लेंट हम करेंगे करेंगे, मेरा काम था आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचाना, और जितना हो सके ना अगर आपको भी लगता है कि रेस डायनेमिक के ओनर नीतीश भैया हमेशा सबके साथ यही खेल खेलते हैं तो इसको शेयर करो, दबा के शेयर करो। मैं तो ब्लॉग तो बना ही रहा हूँ, साथ ही साथ एक छोटा सा रील भी बनाऊंगा, जितना हो सके ना इसको शेयर करो, उन तक पहुँचे नीतीश भैया के तक ये बात पहुँचे। और दूसरी बात, ये लोग सोचे होंगे कि आयुष वर्मा ने तो वीडियो डिलीट कर ली, भाई आयुष वर्मा ने वीडियो डिलीट कर ली लेकिन मैं हूँ होशियार स्मार्ट, मैंने जिस दिन आयुष वर्मा ने वीडियो बनाया ना उसी दिन उसको डाउनलोड करके रखी थी। इस वाले वीडियो में ऑफकोर्स CBR 650R होने वाली है, बहुत ही डिफरेंट लुक में, और ये वाला रैप आपने पहले अभी तक नहीं देखा होगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो कुछ ऐसा इसका लुक है, और पूरी बाइक पे जो ग्राफिक्स हैं वो प्रिंट होके लगी हैं, प्रिंट होके रैप चढ़ा है आप देख सकते हो, और बड़ा ही डिफरेंट सा फ्रेश सा लुक आ रहा है इससे। और जो CBR का ओरिजिनल कलर है रेड, वो अभी भी रखा गया है बाइक में। जो बड़ा चीज़ आपको दिखाना था वो यही था कि इसका जो रैप है पूरा, ये देखो हर एक चीज़ प्रिंट होके लगी है एकदम प्रॉपर,
आयुष से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। जिस दिन नीतीश भैया ने बोला ना कि आयुष वर्मा को मैं बोलता हूँ वीडियो डाउन करने के लिए, उसी दिन पर्सनली मैंने आयुष को मैसेज किया था कि मेरा ऐसा कुछ भी कहना नहीं है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप वीडियो डिलीट करो, आपने बना दी डजंट मैटर, आपने व्यू कमा लिया डजंट मैटर, सिर्फ आप उस रैप को हटवाओ, दैट्स द पॉइंट। इस पॉइंट को वो समझ नहीं पाए, फालतू में आयुष को वीडियो डिलीट करवाने लगवा दी। एनीवे वो आयुष का डिसीजन था, उनको रिलेशन मेंटेन करने थे, मुझे आयुष से रिलेशन मेंटेन करने थे, मैंने कर दिए, बाकी आपके ऊपर। डिज़ाइन चुरा लिया चलो कोई नहीं यार, बट इनकी रैप की क्वालिटी देखो, इधर आ जाओ, रैप की क्वालिटी देख लो आप एक बार। सो ये जो रैप है आपको बहुत ही परफेक्ट नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, लेकिन थोड़ा सा इधर नज़र मारो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पास में आओ भाई, कैमरे वाले भैया थोड़ा पास में आओ, ये दिखाओ, ये देखो, ये देखो, ये पता है कब हुआ, सिर्फ 2 दिन के बाद ये हालत हो चुकी थी। ये वाला देखो, ये पूरा निकल चुका है। अब ये वाला जो रैप है ना, ये बहुत परफेक्ट आपको दिख रहा है, बट यहाँ से आप ऊपर आओगे तो ये देखो, ये छूट चुका है, ये इसलिए टिका हुआ है क्योंकि आगे जो रैप है ये प्रॉपरली लगा हुआ है, अदरवाइज सेम हियर, यहाँ पे भी यही हालत है। सो इनकी जो रैप की क्वालिटी है ना, ये भी इतनी अच्छी नहीं है। अब इस पे नीतीश भैया ज़रूर ये बोलेंगे कि हमने आपको बोला था कि एक दिन बाइक हमारे पास छोड़ दो, कब बोला था भाई, मेरे पास वीडियो है उसकी, कब बोला था, शाम को अप्रॉक्स 7 बजे के आसपास मेरा रैप पूरा हो चुका था, मैंने बोला क्या मैं जा सकता हूँ, बोलते हाँ जा सकते हैं आप, बिल्कुल जा सकते हैं, तभी बोल देते कि भैया आपको एक दिन बाइक छोड़नी पड़ेगी क्योंकि बाइक के हीट के कारण यहाँ से भी छूट रुका है, ये देखो यहाँ से भी छूट रहा है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आप उसी वक्त मुझे बोल देते कि भैया आपको बाइक छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हीट के कारण हो सकता है कि रैप छूट जाए, तो मैं बाइक छोड़ देता यार, मुझे अयोध्या जाना था, मैं बस से चला जाता, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन से चला जाता, कोई और व्हीकल ले लेता, अयोध्या चला जाता, दर्शन कर लेता, रिटर्न आता, सेकेंड डे बाइक ले जाता। जब बंदा 15 दिन का इतना बड़ा ट्रैवल करके आ चुका है तो एक दिन और एक्सटेंड कर लेता यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आपको कहने की बात थी, बट आपको कहना था ही नहीं, जा रहा है बंदा, जाने दो, जाने दिया, ऐसा नहीं होता है भाई। अब मेरे पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है, मैंने सर्जरी कर दी, मुझे लग रहा है कि 2 दिन इसे रुकना चाहिए, फिर भी मैं सोच रहा हूँ आपको जाना है तो चले जाओ, ऐसा नहीं होता है ना, इस बात को भी आप समझो। तो ऐसे छोटे मोटे बात आपके लिए होगी लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, हम मेहनत का पैसा कमाते हैं, आप जैसे इधर उधर रैप चोरी करके दूसरे को लगा के फिर पैसा नहीं कमाते।